हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? नए वीडियो का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाले हैं जो खुद 15 साल की है, लेकिन वे प्यार एक बड़ी उम्र के लड़के से कर लेती है। फिर उसके साथ वे शारीरिक संबंध बनाती है। फिर आगे उनके साथ क्या क्या होता है, उनको कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये बात देखने वाली है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जैन नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल की है, जो एक शिप की मदद से अपने गांव लौट रही थी क्योंकि उसके स्कूल में अभी वेकेशन चल रहे थे, इसलिए वो अपने गांव वापस आ गई थी। यहां पर जैन का पूरा परिवार रहता है। जैन की माँ स्कूल में पढ़ाती है। जैन के दो भाई है, एक भाई सीधा साधा है, दूसरा भाई बिगड़ा हुआ है, और ऐसे ही जैन की छुट्टियाँ खत्म हो जाती है, इसलिए मैं वापस से शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए वे शिप में बैठ जाती है। इससे शिप में की चाइनीज बिजनेसमैन होता है जिसका नाम टोनी होता है। शिप में ये दोनों बातें करने लगते हैं, तभी टोनी को पता चलता है कि जिस जगह पर चैन को जाना है उसी जगह पर टोनी को भी जाना है, इसलिए टोनी चैन को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल तक पहुंचा दूंगा, फिर वहां से मैं आगे निकल जाऊंगा जाती है। इसके बाद ये दोनों शिप से उतर जाती है, अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ पर जैन टोनी को बताती है मेरी उम्र 17 साल की है। वो सिर्फ 15 साल की थी। जैन ने टोनी को झूठ बोला था क्योंकि जैन मन ही मन में टोनी को पसंद करने लगी थी। इसी दौरान टोनी जैन का हाथ भी पकड़ लेता है, लेकिन जैन उस वक्त भी कोई रिएक्ट नहीं करती क्योंकि मन ही मन में भी खुश हो रही थी। इसके बाद टोनी जैन को उसके स्कूल में छोड़ता है और वहाँ चला जाता है। फिर अगले दिन जब जैन स्कूल के अंदर जा रही थी तभी उसे टोनी की गाड़ी बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है। टोनी भी जैन को देखने के लिए आया हुआ था। इसके बाद जैन टोनी की गाड़ी के पास जाती है और विंडो पर किस करती है। फिर इसके बाद जैन स्कूल के अंदर चली जाती है। एक बार जैन स्कूल में अपनी सहेली के साथ डांस कर रही थी, तभी स्कूल के बाहर टोनी की गाड़ियां जाती है। इसके बाद जैन दौड़ी टोनी के पास जाती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। टोनी जैन को एक होटल में नहीं है, वहां पर उसे टच करने लगता है। टोनी घबरा रहा था क्योंकि जैन अभी नाबालिग थी, लेकिन दूसरी तरफ जैन पूरी तरह से तैयार थी क्योंकि उसे पता था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। इसके बाद जैन और टोनी आपस में इंटीमेट हो जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तभी जैन टोनी को बताती है कि मैं बड़ी होकर एक राइटर बनना चाहती हूँ। को ये भी बताती है कि उसके घर की हालत कुछ ठीक नहीं है, उसके परिवार वाले बहुत ही गरीब है। इस तरह से दोनों आपस में मिलते ही रहते हैं और इंटीमेट होते ही रहते हैं। एक बार टोनी जैन को डिनर पर ले गया। वहाँ पर टोनी जैन को बताता है कि वह उसके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि वे एक चाइनीज है, उसकी शादी भी किसी चाइनीज से लड़की से ही होगी। ये बात सुनकर जैन को अच्छा नहीं लगता। फिर उसी रात जैन अपने कमरे में आकर बहुत रोती है क्योंकि वे टोनी से सच्चा प्यार करती थी। इस सब के बावजूद भी वे दोनों आपस में मिलते इंटीमेट होते थे। ऐसा करते करते उनको काफी समय हो चुका था। इस तरह से जैन टोनी से भी और ज्यादा प्यार करने लगी। इसके बाद जैन के दोबारा से वेकेशन शुरू हो जाते हैं। इस बार टोनी उसे उसके गाँव छोड़ने जाता है, लेकिन हॉस्टल से जैन के खिलाफ उसके घर लेटर भेजा गया था जिसमें लिखा गया था कि जैन बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं। तभी जैन की मां को उस पर शक हो जाता है। उससे लग रहा था कि टोनी और जैन दोनों ही रिलेशन में हैं। पहले तो जैन की मां जैन को बहुत डांटती है, फिर उसके बाद जैन टोनी के बारे में अपनी माँ को बताती है। उससे कहती है कि टोनी एक चाइनीज बिजनेसमैन है, काफी बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है, उसका अपना एक बिजनेस है, वह बहुत अमीर आदमी है। ये बात सुनकर जैन की माँ के मन में लालच आ जाता है। जैन की माँ जैन को कहती है अगर ऐसा है तो तुम उससे थोड़े बहुत पैसे मांग लो, तुम्हें पता है ये है कि हमारे घर की हालत इस समय क्या है। इसका सीधा सीधा मतलब था कि जैन की माँ उससे टोनी को यूज करने के लिए कह रही थी। इसके बाद टोनी जैन की पूरी फैमिली से मिलता है और उन्हें एक होटल में ले जाता है। यहाँ पर सभी बैठकर खाना खा रहे थे। टोनी जैन की फैमिली से बात करना चाह रहा था, लेकिन जैन की फैमिली सिर्फ खाने में ही मगन थी क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी होटल में इतना महंगा खाना खाया ही नहीं था। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग सिर्फ टोनी के पैसों के भूखे हैं। टोनी को ये बात अच्छी नहीं लगती। इसके बाद टोनी जैन को दोबारा से कमरे में ले जाता है, गुस्से में आकर उसके साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद जैन से कुछ पैसे मांगती है और टोनी उसको पैसे दे भी देता है, जो कि मान को उसके और टोनी के रिलेशन के बारे में पता चल चुका था, लेकिन वे अपनी बेटी को डांटने की बजाय उसे और ज्यादा उकसा रही थी, समझा रही थी, उसे कह रही थी तुम जितना हो सके टोनी से पैसे निकलवा लो, ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना आते हैं। जैन को अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए फ्रेंड्स जाना था। यहाँ पर यह बात वे टोनी को बताती है, इसलिए टोनी अपनी माँ की अंगूठी जैन को दे देता है। टोनी भी अभी जैन को पसंद करने लगा था। इसके बाद टोनी अपने पिता से मिलता है। उनको समझता है कि वह जैन से शादी करना चाहते हैं, लेकिन जैन एक चाइनीज लड़की नहीं थी इसलिए उसके
पिता उसे मना कर देते हैं। ये बात विल टोनी जैन को अगले दिन बताता है। यहाँ पर जैन भी टोनी को कहती है वो उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके मन में अभी भी टोनी के लिए प्यार था। दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन असल में वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तड़प रहे थे एक दूसरे के लिए। इसके बाद जैन टोनी की दी हुई अंगूठी अपनी माँ को दे देती है। फिर जैन का भाई उस अंगूठी को पकड़ लेता है और जैन से पूछता है क्या तुम टोनी के साथ सोई हो। यहाँ पर उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, कहासुनी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है टोनी की एक लड़की से शादी हो रही थी। टोनी शादी तो करा रहा था लेकिन मैं खुश नहीं लग रहा था, उससे शादी करता हुआ देख रही थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। इसके बाद जैन उसी होटल में जाती है जहाँ पर वे दोनों अक्सर मिला करते थे। जैन उस होटल के अंदर बहुत देर तक बैठती है लेकिन टोनी वहाँ नहीं आता। इसके बाद जैन वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद जैन फ्रांस से जाने के लिए तैयार हो जाती है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ तैयार हो रही थी फ्रांस से जाने के लिए, वहाँ पर जाने वाली थी। इसके बाद जैन और उसकी फैमिली फ्रांस से जाने के लिए शिप में बैठ जाते हैं। यहाँ पर जैन टोनी की गाड़ी को देखती है। फिर रात के वक्त जैन टोनी को याद करती है, बहुत रोती है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें बहुत साल बाद का सब दिखाया जाता है। हमें ये दिखाया जाता है कि जैन एक बहुत बड़ी राइटर बन चुकी है। इसी तरह ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।